नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास यादव। समाधान के यूट्यूब चैनल के जरिए आज हम लोगों के खास मेहमान हैं महुआर पंचायत के मुखिया राजकुमार पासी जी, और आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके का विकास इनके पंचायत में हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मुखिया जी हमारे समाधान के यूट्यूब चैनल पर, लोग आपको देख रहे हैं। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है सो अभी जैसे किसान जो है फसल लगा रहे हैं, मौसम की मार से कहीं ना कहीं किसानों पे जो है सो समस्याएं आई हैं, तो आपने पंचायत में पानी की कुछ व्यवस्थाएं की है किसानों के लिए? हाँ, कुआं किए हैं जी, 35 कुआं में 29 में काम कंप्लीट है। उसमें जो है से लोन से उठाया है डीजल पंप जी जी, पानी पटा रहा है जी जी, उसमें अलुआ को बीज जला गया जी जी, और उसमें जो है सो किसान जो है से हमारा पर खुश है जी जी, जब पानी की व्यवस्था ठीक कर दिए हैं, पानी की व्यवस्था आपने की है अच्छे तरीके से, और उसमें जो है किसान आगे बढ़ाने के लिए सोचा है जी। ये मुखिया जी जो है जी है अनपढ़, मगर पंचायत में जो है से काम जो ठीक कर रहा है जी जी। हम किसान से यह अनुरोध करते हैं जी, सदा हम रहें बढ़िया, हमारा नाम उठे जी जी, और जो है जी सो शौचालय जी, शौचालय पे हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके पंचायत में कितने लगभग जो विद्यालय हैं, वो विद्यालय की, विद्यालय में शिक्षकों की कमी है या फिर किस तरीके से पठन पाठन चल रहा है? ना, विद्यालय में सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत ना है, शिक्षा अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। कहीं कोई कमियां नजर आ रही है आपको? ना, हम लोग देखे बासमतम तो फर्स्ट है जी, दूधी टाउन में फर्स्ट की है जी, सब रोडे किनारे है जी, बढ़िया है, सब बढ़िया सब चल रहा है। अच्छा अच्छा जी। और जैसे कि आपके पंचायत में लगभग कितने शौचालय बने हैं मुखिया जी? आपके शौचालय बनल है 190 गो, 900 हाँ, मैंने 950 साढ़े नौ सौ में, मैंने 10-20 गो में नहीं बुझ हो रहा है, मतलब कितना के हैं। अच्छा, जाते हैं बोलते हैं समाते हैं, हाँ हाँ मुखिया जी करेंगे करेंगे। अच्छा, और बाद हम चले जाते हैं, तकर बाद फिर उसने अच्छा, देहात अच्छा, के बात है, मगर हाँ, हाँ मैंने इतना होप करे 900 में जो होप करे, 10-20 गो में नहीं होप करे, सबके समझा करे थी करे करे, और सब जो है सब करते, मतलब शौचालय सबको उपयोग कर रहे हैं, जो इतने शौचालय आपके पंचायत में बने हैं सभी उपयोग में ला रहे हैं, करब करे अच्छा, 10-20 गो नया करब करे, तो ओकरा पर हमहु प्रयास लागल ही अच्छा, वो सबके कराए। अच्छा अच्छा, अब एक चीज जो आपसे जानना चाहेंगे कि तो आपके पंचायत में जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत कितने निबंधित मजदूर हैं आपके पंचायत में, लगभग अनुमानित एक बता सकते हैं कितने निबंधित मजदूर होंगे आपके? हाँ, 900 से मैंने 10-20 को होते मैंने। अच्छा अच्छा, उतना याद ना रखे, पर पढ़ा अच्छा, नहीं, 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 हाँ 900 लगभग है, 900 है, हाँ 900 निबंधित मजदूर है, मजदूर है। तो 900 निबंधित जो मजदूर हैं, उन लोगों के लिए आप रोजगार का किस तरीके से उन लोगों को रोजगार देते हैं? मतलब देखो, यहाँ जो है हमने पंचायत भवन में जे है मैंने बृहस्पति के मैच बैठे हमने बैठाइए, वोकर में जे है से जहाँ काम लगभग है तहाँ काम लगावा, जहाँ करे करे है पसंद करके काम वो सब करे। अच्छा अच्छा, वो सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं निबंधित मजदूर के लिए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो और जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले आपके पंचायत में महुआर पंचायत से बहुत से ऐसे लोग थे जो कुछ, एक दुर्घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वैसे में रोड जाम कर दिया गया था, और वैसे में प्रशासन के द्वारा बहुत से ऐसे लोग थे जिन पर FIR भी हुआ है, इस संबंध में कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, उसमें देखिए जो है जी, जिसका घर जो मर जाए तकर घर तो दुख होवे है, आप दुख होवे है तो वो रोड जाम मने में करके मोजा मांगे है, अब मोजा मांगे में खा दू को लंगता आइए जो है रोड के किनारे है, वो सब जाके थोड़ा प्रशासन सब दो बात थोड़ा छोटा छोटा बोल के, तो दूसरा आदमी है जकर घर के व्यक्ति ले सूचना बोल के वकरे पर जे है से मने जे गलत कर ले है वकरा ना है ना कर ले है तकरा पर मने आरोप को लगाए दले है, केस कर दले है, तो वह हम कहे सब गरीब है जो नाजायज कर ले वकरा पर हम नहीं है, वकरा पकड़ के राष्ट्र कर बंद कर जे कर, और जे ना कर ले वकरा कहिए केसवा उठकर उठा ले, गरीब आदमी के मरी देखा बिना सब थी। आपका कहने का मतलब यह है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए, छोड़ा जाए। तो ऐसे में एक और भी समस्या आ रही है जैसे पंचायत में, चूंकि पंचायत में, आपके पंचायत में पैक्स है?
पैक्स जो धान जो निर्धारित मूल्य मिला हमने फैक्स बोला ये हाँ फैक्स बोलते हैं आप लोग लेकिन ठीक उसकी क्या हालत है वो है देखो वो जो है से मतलब देखो अभी सुखाड़ है सुखाड़ में मैं जो है से मैंने प्रचार ना करे है और प्रचार करे तभी अथी हो करे है तो मैंने हमने के हवा जानती ना दे है और जानती ना दे तो वो बाहर के आवे है जो बेंगाबाद वाला बेंगाबाद वाला हमारा खबर दे है तो वहाँ जो है से इन्हें जो बीमा थोड़ा बहुत कर के और वो जानबीन करे अरे इन साल जो बीमा मैं कर के से हमारा सुखो ना सही कर तो कैसे बीमा पास होते अच्छा अच्छा तो आपसे एक बात और भी जानना चाहेंगे कि जैसे आवास जो है प्रधानमंत्री आवास लगभग आपके पंचायत में कितने प्रधानमंत्री आवास बने होंगे प्रधानमंत्री 190 को बन गए है जी मैंने बनल ना है मैंने 190 को आए है जी तब मैंने कितने कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं मैंने आवास के काम मैंने एक 100 मैंने जो है से कम्प्लीट रंग पचौड़ा सब है अच्छा 100 कंप्लीट हाँ ओकरा में जो है सब ठीक भ गेले आज इन्हें बच्चा ले ओकरा में भी काम चले करे अच्छा अच्छा उसमें काम अभी चल रहा है हाँ। तो ऐसे में आपको लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो है सो प्रधानमंत्री आवास जो क्योंकि 2011 का सेक डाटा के अनुसार ये जो 190 आवास आए हैं उसी के अनुसार आए होंगे ऐसे में आपको लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आवास अभी तक जो है सो सूची में नाम नहीं चढ़ा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं उसको प्रोग्रेस में लगा है उसको जो नाम है सो उसको जोड़ाने के लिए हम प्रयास में है उसको जोड़ाएंगे और उसको जो है गरीब है सो हम जाके जोड़ा के और हम बीडीओ साहब के बोलेंगे जो ये लेने काबिल है इनको दिया जाए जी आपसे जानना चाहेंगे मुखिया जी कि जैसे NH 114A दुधी टांड के बगल में जो डॉम परिवार रहते हैं लगभग 40-50 लोग ऐसे हैं 60 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है उसके उस संदर्भ में बताना कुछ चाहेंगे आप क्या उनके लिए पहल किए हैं क्योंकि आपके पंचायत का मामला है अभी जो है ना उसको जो है से मिथी में चढ़ गया है जी सेक डाटा में नाम चढ़ गया हाँ, चढ़ गया है आप उनको जो है जी से मैंने फोटो ले ली है उसको जमीन की कमी है जमीन को व्यवस्था करके उन लोग को उन सबको कितने दिनों में लगभग आपको लगता है कि उन लोगों को आवास बनेगा कितने दिनों में जितना जल्दी जमीन उपलब्ध मैंने जितना जल्दी जमीन हो जाएगा और मतलब जितना जल्दी वहाँ जो वीडियो साहब है ना मांगेगा उसको दीजिए तो यहाँ सुध देगा तबे ना वो सब होगा जी जी हम लोग को जो प्रक्रिया सुन करके दे रही है आप प्रक्रिया अपना करके दे दीजिए पदाधिकारी पे अब डिपेंड करता है हाँ, कि कितने जल्दी जितना जल्दी आवास बन जाए वो सबके बन गया बाद वो सब अच्छा ढंग से रहते जी जी आप और एक सवाल और भी है जैसे सवाल नहीं इसे आप कह सकते हैं आपसे जानना चाहेंगे आप कुछ गवर्नमेंट को सरकार को या पदाधिकारी को कुछ फीडबैक कुछ सुझाव देना चाहेंगे हम सरकार के यह कहिए मैंने जल पानी के व्यवस्था कुआं तो भै गए मैंने चापाकल हो गला बाद मैंने बढ़िया से मैंने जो स्वच्छ पानी हो गला बाद मैंने सावन में डायरिया जो होवे है कुआं में तो कीड़ा उड़ा हो जाए उस सब हो गया चापाकल सुनती भै गया तब उस सब में हमारे पंचायत में आपके पंचायत में लोग गंदे पानी पीते हैं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए अच्छा